Hello, students. Once again, welcome to SST class. So, in the last video, we have completed our chapter number one of history, and today we are going to start chapter number two of history, that is New Kings and Kingdoms. So, in this book, your book for your class 7, we are going to study about the time period from 700 to 750. And during this time period, we will see the emergence of new kings and kingdoms. So, this chapter is all about that. So, at the beginning of the chapter, there is a map given which shows the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and the 12th centuries. So, here's the map where you can see. That in the middle of the India, see, there are Chahamanas, Patihas, Parma, Chandelas. So, these were the kingdoms or the dynasties which used to rule in this part of the subcontinent. And as we move further, we can uh, see the Rashtra courts. So, these used to belong in this area of the subcontinent. And in the southern part of the India, see, at the end of the map in the southern part of the india we can see cholas cheras and pandyas these were the kingdoms who used to rule in the southern part of the india so all these were the new kingdoms which emerged after the 7th century and we are going to study about this in detail or briefly in this chapter so in the beginning of the chapter, we will see the first topic is the emergence of new dynasties. By the 7th century, there were big landlords or warrior chiefs in different regions of the subcontinent. 7th century ke time period, Bohatsare, Bade Zamidhar, warrior chiefs in the subcontinent areas. Mein. जो ऑलरेडी किंग्स थे यानी एग्जिस्टिंग किंग्स थे वो इन लोगों को बड़े लैंडलॉर्ड्स को या वॉरियर चीफ्स को अपना सब या सामंत हिंदी में जिसको सामंत कहा जाता है जो उनके लिए काम करता है सब मानते थे दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग्स और ओवर लॉर्ड्स बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड विद मिलिट्री सपोर्ट अब वो जो किंग्स हैं इनको अपना सबॉर्डिनेट या सामंत मानते हैं यानी कि इनकी हेल्प करने वाला तो किंग क्या चाहते थे यानी किंग क्या एक्सपेक्ट करते थे कि जो ये सबऑर्डिनेट सामंस हैं जो बड़े लैंड लॉर्ड्स हैं वो अपने राजा के लिए गिफ्ट्स लेके आए कोर्ट में प्रेजेंट रहे जो उनके सभागृह बना होता था राजा का और जब भी राजा को मिलिट्री सपोर्ट की जरूरत हो तो ये जो सामंत या सब हैं, दे हेल्प द किंग पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर दिल्व टू बी महासामंत महामंडलेश्वर एंड सोन धीरे धीरे जब इन सामंत की पावर बढ़ती गई इनके पास और पैसा आता गया वेल्थ ही होते गए तो इन लोगों ने खुद को महासामंत कि पहले इनको सामंत कहा जाता था फिर जब इनकी पावर और वेल्थ बनी तो खुद ने ही इन्हें अपने को महासामंत या महामंडलेश्वर डिक्लेयर कर लिया महामंडलेश्वर का मतलब क्या होता है द ग्रेट लॉर्ड ऑफ ए सर्कल और रीजन कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन का या एरिया का लॉर्ड समटाइम्स दे अजर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवर लॉर्ड्स कई बार क्या होते थे कि वो उनके ओवरलोड्स है यानी कि जिस राजा के अंडर वो काम करते हैं उससे खुद को इंडिपेंड करा इंडिपेंडेंट करा लेते थे आजाद हो जाते थे सो देर वॉज एन इंस्टेंस कि ऐसा कब हुआ था डेकन में राष्ट्रकूट्स का रूल होता था अभी जब मैंने आपको मैप के बारे में बता रही थी तो एक पार्ट ऐसा था जब हमने राष्ट्रकूट्स का देखा था तो वो उन राष्ट्रकूट्स में क्या था वो क्या थे स्टार्टिंग के पीरियड्स में वो लोग कर्नाटक के जो चालुक्याज हैं कर्नाटक में जो रूल करने वाली डायनेस्टीज थी चालुक्याज उनके सबॉर्डिनेट थे यानी सामंत थे लेकिन इन द मिड एट सेंचुरी कि एट सेंचुरी के मिड में आते आते दांटी दुर्ग और राष्ट्रकूट चीफ कि दांटी दुर्ग एक राष्ट्रकूट चीफ था यानी राष्ट्रकूट्स का हेड ओवर थ्रू हिज चालुक्या ओवरलोड उसने अपने राजा जो एक चालुक्य थे उनको वहाँ से हटा दिया एंड परफॉर्म्ड द रिचुअल कॉल्ड हिरण्या गर्भ और एक ऐसी रस्म या रिचुअल परफॉर्म किया जिसका नाम था हिरण्य गर्भ जिसका मतलब होता है द गोल्डन वॉम वेन दिस रिचुअल वॉज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ ब्राह्म इट वॉज था टू द रीबर्थ ऑफ द सेक्रीफाइजर एज जब ऐसा रिचुअल परफॉर्म कर लिया जाता है ब्राह्मणों की हेल्प से पूजा पाठ वाला सिस्टम था तो ऐसा माना जाता था कि इससे जो सेक्रीफाइजर है यानी जिसने सेक्रीफाइजर किया सेक्रीफाइज किया है तो उसका रीबर्थ होता है क्षत्रिय के रूप में हालांकि वो जन्म से क्षत्रिय नहीं है इन द लास्ट चैप्टर जो हमने पहले डिस्कस किया था तब मैंने आपको चार वर्ण्स एक्सप्लेन किए थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो उसमें यह था क्षत्रिय यानी जो राजा और ये सब होते हैं वॉरियर क्लास तो ये जो सेक्रीफाइस ये ये जो रिचुअल कर लेता है तो उसको माना जाता था कि अगर वो जन्म से क्षत्रिय नहीं है तो फिर उसका एक रीबर्थ हो जाता है क्षत्रिय के रूप में ऐसा उन लोगों का सोचना था और इसीलिए वो इस काइंड के रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं सो बेसिकली वॉट वी गोट टू नो फ्रॉम दिस इंस्टेंस कि जो सबॉर्डिनेट था राष्ट्रकूट सबॉर्डिनेट थे चालुक्यास के लेकिन राष्ट्रकूट के चीफ ने अपने जो किंग है चालुक्या किंग उसको वहां से हटाकर खुद उसकी पोजीशन पर या उसकी सीट पर रूल करने लगा इन अदर केसिज मैन फ्रॉम इंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज दे मिलिट्री स्किल्स टू काव आउट किंगडम्स फॉर इंस्टेंस द कदम्ब मयूष एंड द गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्रवर ब्राह्मण हु गेव अप दियर ट्रेडिशनल प्रोफेशन एंड टूक टू आर्म्स सक्सेसफुली एस्टेब्लिशिंग किंगडम्स इन कर्नाटक एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली अब ये तो था सब का केस इसके अलावा जो इंटरप्राइजिंग यानी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से होते थे वो अपने मिलिट्री स्किल की लड़ने की युद्ध कला को और इम्प्रूव करके नए किंगडम्स बना लेते थे जैसे कदम मयूश्रमण और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ये ब्राह्मण्स थे जिन्होंने अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन जो पारंपरिक उनका काम था कि पूजा पाठ करना या पढ़ाना ये छोड़कर हथियार उठा लिए थे और कर्नाटक और राजस्थान में उन्होंने अपने जो किंगडम्स हैं वो इस्टेब्लिश किए थे सो सोवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स यानी कि जो किंगडम्स एस्टेब्लिश हुए थे वहां पर काम कैसे चलता था मैनी ऑफ दिज न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाउस हाई साउंडिंग टाइटल सच एज महाराजा अधिराज त्रिभुवन चक्रवर्तिन एंड सो ऑन आप लोग जब टी वी सीरियल्स देखते हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं वहां पर जब राजा की एंट्री होती है तो इस तरह के वर्ड्स बोले जाते हैं कि वो महाराजा अधिराज पधार रहे हैं तो ये जो नए नए किंग्स थे इन लोगों ने ऐसे ऐसे टाइटल्स लगा लिए थे अपने नाम के आगे जैसे महाराजा अधिराज इसका मतलब होता है ग्रेट किंग या राजाओं का भी राजा और त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब होता है कि तीन वर्ल्स का राजा, कि तीन अलग अलग वर्ल्ड्स का राजा स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स दे ऑफन शेयर पावर विद एज वेल एज एसोसिएशन ऑफ पीस ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स वो इतने क्लेम करते थे कि वो इतने पावरफुल हैं राजाओं के भी राजा हैं लेकिन फिर भी उनकी जो पावर है वो किसकी हेल्प से होती थी या तो उनको सामंस की हेल्प मिलती थी इसके लिए या वो पीजेंट्स ट्रेडर्स और ब्राह्मण्स के साथ एसोसिएट थे यानी वो अकेले कुछ नहीं करते थे कर भी नहीं सकते थे बिकॉज कोई भी काम होता है वो किसी की हेल्प से ही किया जाता है इन ईच ऑफ दिस स्टेट रिसोर्सिसन फ्रॉम द प्रोड्यूसर दैट इज पीजेंट्स कैटल कीपर्स आर्टिस और कम्पेयर टू सरेंडर पार्ट ऑफ वॉट दे प्रोड्यूसाइम्स दिज वर क्लेम्ड एज रेंट ड्यू टू अर्ड दैट ही ऑन द लैंड रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स ये जो सारी स्टेट बनी थी यहाँ पर जो रिसोर्स थे वो प्रोड्यूसर से यानी जो उसको बनाने वाला है उससे लिए जाते थे जैसे पीजेंट्स हो गए या जो पशुओं को पालते हैं उनसे या आर्टिसन से उनको बहुत बार फोर्सफुली भी कि उनको मजबूर किया जाता था कि जो उनके यहाँ प्रोड्यूस हुई है यानी कि जितना उनकी इनकम हुई है उसका कुछ हिस्सा वो राजा के लिए दे दें उनके ख़जाने में दे दें कई बार ये कह कहा जाता था कि ये रेंट है किराया है क्योंकि जो भी ज़मीन उनके पास है या जो भी एरिया उन्होंने ले रखा है जहाँ पर उनका कोई काम चल रहा है वो राजा का है और ट्रेडर्स यानी जो व्यापारी थे उनसे रेवेन्यू भी लिया जाता था जैसे आप लोगों ने लास्ट ईयर वर्ड पढ़ा था ना टैक्स उसी की तरह रेवेन्यू भी लिया जाता था ट्रेडर्स से सो दिस वाज द थिंग कि वहां से कैसे रिसोर्सेज ऑप्टेन्स किए जाते थे या कैसे नहीं फोर हंड्रेड टैक्सेज एक छोटा सा सोर्स दिया हुआ है लेट्स स्टडी दिस द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलाज रूल्ड इन तमिलनाडु रेफर टू मोर देन फोर हंड्रेड टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेज द मोस्ट फ्रीकुंटली मैंशन टैक्स इज वेती टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर एंड कदमई और लैंड रेवेन्यू चोला मैंने आपको साउथ में बताया था ना चेराज चोलाज पांड्या जब मैं हम देख रहे थे तो चोलाज रूल करते थे तमिलनाडु में वहां पर एक इंस्क्रिप्शन है जिसके ऊपर 400 अलग अलग तरह के टैक्सेस के बारे में लिखा गया है उसमें सबसे ज्यादा मेंशन जो टैक्स के बारे में किया गया है वो वेती है जिसको कैश में नहीं लिया जाता है यानी पैसे नहीं लिए जाते थे बट फोर्स लेबर फोर्स लेबर का मतलब होता है किसी से जबरदस्ती काम करवाना या फिर कदमई या फिर लैंड रेवेन्यू इस तरह के टैक्सेस हाउसेस पे भी लगते थे या जो वहां पे, पे पेड़ पौधे थे उन पे, या जो फैमिली प्रॉपर्टी है उन पे, यानी कि अलग अलग तरह के उन्होंने तरीके ढूंढ रखे थे पैसे लेने के या टैक्सेस लेने के सो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल आप लोग अगर अभी के टाइम पीरियड को भी कंसीडर करके देखें तो आज भी बहुत तरह के टैक्सेस लगते हैं बट दैट आर यूज फॉर द सिटीजन्स वेलफेयर ओनली कि गवर्नमेंट उन टैक्सेस का यूज़ सिटीजेंस के वेलफेयर के लिए ही करती है दीज रिसोर्स वू फाइनेंस द किंग्स एस्टेबलिशमेंट एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स अब ये जो रिसोर्सेज कलेक्ट किए जाते थे इससे क्या होता था कि राजा कोई मंदिरों को बनवाता था या किले बनवाता था फोर्ट्स वगैरह तो उसके लिए यूज किया जाता था इसके अलावा इन रिसोर्सिस का यूज़ लड़ाई में भी किया जाता था बिकॉज अगर वॉर हो रही है तो उस टाइम पीरियड में राजा को भी जरूरत होती है पैसे की सोल्जर्स को पैसे देने होते हैं या जो हथियार यूज़ होते हैं उनके लिए विच टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड टू द एक्सेशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स इसके बाद क्या होता था अगर लड़ाई की है राजा ने जो जीत गया उसे जो हारने वाला है उसकी जमीन मिलती थी उसके ट्रेड रूट्स, यानी जिन रास्तों के थ्रू व्यापार किया जाता था तो वो सारे उसके कब्जे में आ जाते थे अब ये जो रेवेन्यू है ये रिसोर्सेज कलेक्ट करते रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं वो कौन होते थे और वो किन लोगों को रिक्रूट करते थे यानी इस काम के लिए किन को लगाते थे तो ये जो फंक्शनरीज होते हैं जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे दे आर फ्रॉम द इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ जो ज़्यादा वेल्थी फैमिलियों से हो गया या जिसका ज़्यादा सोसाइटी में इन्फ्लुएंस है प्रभाव है और ज़्यादातर तो ये पोजीशंस हेरीडेटरी होती थी कि अगर कोई एक कोई पोजीशन मिली है तो उसके बाद उसके बेटे को फिर उसके बेटे को हेरीडेटरी होती थी यही सिस्टम आर्मी में भी, भी होता था कि आर्मी में भी जो फंक्शनरीज होते थे काम करने वाले लोग होते थे वो इसी तरह से रिक्रूट किए जाते थे रिक्रूट यानी कि उनको वहाँ पे शामिल करना या किसको वो पोजीशन देनी है ये भी बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जिसमें राजा के जो क्लोज़ रिलेटिव्स हैं दे हेल्ड दिस पोजीशंस इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव ऑफ द किंग हेल्ड दिस पोजिशन्स यानी कि राजा के जो भी रिश्तेदार हैं राजा उनको ये सारे काम दे देता था जैसे टैक्स कलेक्ट करने में मेन हेड ऐसा नहीं था कि वो घर घर जाके रेवेन्यू कलेक्ट करता था बट जो हाई पोजीशन थी उसमें वो अपने किसी क्लोज रिलेटिव को दे देता था सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रेंड्स टिल देन टेक केयर एंड बी अटेंटिव टू योर स्टडीज थैंक यू